राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। इतने में अधिकारियों ने देखा कि नारायण मूर्ति का पूरा परिवार बीच की पंक्ति में बैठा है। उनमें नारायण मूर्ति की बेटी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति भी हैं। अधिकारियों ने तत्काल उनको आगे की पंक्ति में शिफ्ट किया। उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में बिठाया गया। अक्षता मूर्ति के दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनका परिवार बैठा था। इसी पंक्ति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठे हुए थे। कार्यक्रम के अंत में जब राष्ट्रगान बजाया गया तो अक्षता मूर्ति एस जयशंकर के बगल में खड़ी दिखाई दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में अक्षता बहुत ही सादगी से पहुंची थी। उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नारायण मूर्ति के साथ बेटे रोहन मूर्ति और बहन सुनंदा कुलकर्णी भी पहुंची थी। कार्यक्रम से पहले अक्षता मूर्ति को दो बेटियों और मां सुधा मूर्ति के साथ दक्षिण गोवा के बैनोलिम बीच पर छुट्टियां मनाते हुए देखा गया था। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। अब अक्षता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं। पद्म सम्मान समारोह में अक्षता ट्रेडिशनल कपड़ों में दिखी। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि दुनिया के बड़े देशों में शुमार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी होने के बावजूद अक्षता ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं छोड़ी। वह भारतीय संस्कार को आगे बढ़ा रही हैं। मां सुधा मूर्ति को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रही थी तो अक्षता के आंखों की चमक देखने लायक थी। वह लगातार तालियां बजा रही थी। Thank you.